नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, स्वान एग्रो का जो रोटावेटर है वो दूसरी कंपनियों के रोटावेटर से किस प्रकार से अलग ये रोटावेटर बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर, तो आप अपनी कंपनी का जो रोटावेटर है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी पंजाब की है, लुधियाना की, और लुधियाना पंजाब खेती के बेल्ट में सबसे बेहतर है। ओके, क्योंकि खेती का हरा सोना कहा जाता है। हमारे रोटावेटर की बात करें तो हमारा रोटावेटर दूसरी कंपनी से कैसे अलग है, उसके जो 7-8 मेन पॉइंट है उसके बारे में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है। स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें, ओके, तो इसमें हमने हैवी गियर बॉक्स दे रखा है, जो मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है। ओके, जिसकी जो थिकनेस है, ओके, वो 8 और मिनिमम 10 से 12 mm है थिकनेस, बोले तो उसकी मोटाई। ओके, दूसरी बात करें तो दूसरे रोटावेटर में यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ ये चीज़, उसमें क्लैम्प लगे हुए रहते हैं, क्लैम्प। ओके, हमने पूरा उसका वाइब्रेशन और इसकी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरा सॉलिड बार दे दिया है, जो कम से कम 1.5 inch का, 1 से 1.5 inch का। ओके, उसके बाद बात करें तो वेल्डिंग, जो वेल्डिंग है, जो फैब्रिकेशन में जो लगा हुआ है, ओके, वो पूरा स्पॉट वेल्डिंग है, पूरा एक लाइन में लगा हुआ है। मक्का जो दूसरी रोटावेटर में ऐसे रुक रुक के मारा हुआ होता है। ओके, उससे बात करें, एक चेसिस के टाइप में अलग से कुछ सपोर्ट, ये ऊपर की हिच और ये साइड का फ्रेम दोनों को जॉइंट करने के लिए बनाया हुआ है, जो चेसिस के साइड में दिया है, ताकि वाइब्रेशन उसकी मजबूती दुगनी हो जाती है। जहाँ पे जो पकड़ लगती है, ये आगे का पाइप और ये, तो दोनों के बीच में हर रोटावेटर में यहाँ पे वी शेप में कटिंग में आता है, तो हमने इसको पूरा एक ये जूथ बना के पकड़ाने की कोशिश की है। ओके, डस्ट कवर या तो मिट्टी ना भराए, गाला ना भराए। ओके, उसके लिए बीच में पीछे के साइड में डस्ट कवर दिया हुआ है। ओके, ब्लेड होरिजेंटल हेलिकल ब्लेड अरेंजमेंट बोरॉन स्टील से बना हुआ दिया गया, और ये जो क्लैंप लगे हुए हैं पूरा हैवी सॉलिड बार का है। साइड में सेफ्टी हैंडल दिए गए हुए हैं। ओके, और नीचे ये जो हार्ड लाइनर है वो हैवी, ये नेटी मटेरियल के दिए हुए हैं। ओके, तो वैसे ही दूसरों से अलग है। तो सर, आप हमें ये बताइए, आपका जो रोटावेटर है इसकी चौड़ाई कितनी है? ये फिलहाल जो मॉडल आपके सामने है वो 5 feet का है, 5 feet। ओके, स्टार्ट होती है रेंज 2.5 feet से स्टार्ट होके, ओके, 10 feet 12 feet तक के रोटावेटर अवेलेबल है। ओके, तो सर, अगर कोई किसान इसे खरीदना चाहे तो इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत आप मॉडल वाइज पकड़ चलो 88,000 से लेके, ओके, 1,10,000 के बीच में, मॉडल वाइज अलग अलग रहती है। अगर कोई किसान इसे चलाता है, कितने HP का ट्रैक्टर होगा तो ये आसानी से चल सकेगा? मिनिमम 12 HP से लेके 60 HP, 16 HP तक, ओके, आराम से हो, जैसे मॉडल, जैसी रिक्वायरमेंट और जैसा जरूरियात, वो हिसाब से मिल सकते हैं। आपका जो रोटावेटर है, इंडिया में आप कहाँ कहाँ तक इसकी सप्लाई करते हो? पूरे इंडिया में हम हर एक स्टेट में, पक्का, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क फैला हुआ है हर जगह पे, पक्का, हमारे डीलर के थ्रू आपको पूरे इंडिया में कहीं से भी मिल जाएगा। तो जैसा सर कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की, तो इस पर भी मिलती है कि क्या इसका सिस्टम है? हाँ, हर एक राज्य में ऐसे गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से हमारा NPNL में नाम रजिस्ट्रेशन है। हर मॉडल पे गवर्नमेंट ने नक्की की हुई मान्यता के अनुसार, ओके, हर मॉडल पे सब्सिडी मिलती है। जैसे कि गुजरात में बात करें तो गुजरात में जो मिनी मशीन आता है 2.5 feet से लेकर 3.5 feet तक, उसमें 18,000 से लेकर 22,000 के तक में सब्सिडी मिलती है। और ये बड़ा है 5 feet से ऊपर का कोई भी मॉडल, उसमें तकरीबन 28,000 से लेके 48,000 के तकरीबन सब्सिडी मिलती है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे इस आज के इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी, और मिलते हैं इसी प्रकार की और अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।